वहीं महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव ने सत्यनाली में रोड शो किया और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान क्षेत्र के लोगों का उन्हें भारी समर्थन मिला है। बड़ी तादाद में समर्थक रोड शो में शामिल हुए। आप प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव ने कहा कि क्षेत्र की जनता पारंपरिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस से निराश हो चुकी हैं और अब एक नए विकल्प की ओर देख रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 45 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने इलाके में कोई विकास कार्य नहीं किया है। डॉक्टर मनीष यादव अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की जीत होगी। वहीं डॉक्टर मनीष यादव ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों की जमकर तारीफ भी की और कहा कि महेंद्रगढ़ के विकास के लिए 5 गारंटी का वादा किया है और इन वादों को वो पूरा भी करेंगे। तो लगातार चुनावी प्रचार प्रसार जारी है और इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ के रण में आप प्रत्याशी ने भी अपनी जीत का दावा किया है। जोरदार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं। भारी जनसमर्थन भी इस दौरान देखने को मिला। आप प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव ने सतनाली में रोड शो निकाला और लोगों से वोट की अपील की। बता दें कि इस दौरान क्षेत्र के लोगों का उन्हें भारी समर्थन मिला और बड़ी तादाद में समर्थक रोड शो में शामिल हुए। देखिए, जिस तरह से आज युवा साथियों ने और इस क्षेत्र के सभी लोगों ने इस रोड शो में भारी तादाद में पहुंचकर आज ये साबित कर दिया कि 45 साल की जो बार बार हम लोगों ने भाजपा या कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को वोट दिया, उसके बाद इस इलाके में काम नहीं हुआ। आज तक इन नेताओं ने कभी जनता की दुख तकलीफ, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया। अब लोग चाहते बदलाव करना, और बदलाव भी ऐसा जिस तरह दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने आम लोगों के लिए काम किया है, बिना नेताओं के चक्कर काटे हर सूबा आम आदमी के घर पर पहुंची है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की ईमानदार राजनीति और काम की राजनीति आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से एक एक व्यक्ति आज मैं समझता हूं कि प्रभावित है और इस बार इस बड़े बदलाव में अपना योगदान दे रहा है।